ये मांग थी किस कोचिंग पास एनओसी है और एनओसी है यहाँ बच्चे हर मिनट खतरे में जी रहे हैं। हर बच्चा यहाँ हर मिनट में खतरे में। कोचिंग सेंटर में एंट्री गेट जो है वो एक ही है जी, बिल्कुल एग्जिट और एंट्री एक ही है, एक नहीं सब कोचिंग में बिल्कुल इमरजेंसी कोई गेट। ऐसा नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर कोचिंग को हम क्रिटिसाइज नहीं करें, यहाँ हर किसी कोचिंग की यही हाल है। प्रिकॉशन है ही नहीं, 8-16 प्रिकॉशन है ही नहीं। फीस नीचे में बताया जा रहा है कि बेसमेंट में आग लगी हुई थी और फिर एक ही दरवाजा है इसमें जी, एक ही दरवाजा है। कहीं भी नहीं, आप देखिए चले जाइए की मांग है, एंट्रेंस और एग्जिट एक ही है। आज आइए, कल को ये घटना वर्धमान पहुंची तो आप वर्धमान की स्थिति दिखाइए, क्या स्थिति है। आप आज यहाँ पे आए हो, आप दिखा रहे हो कि ये आज ये घटना हुई है, तब आप आइए। आपने कभी दिखाई वर्धमान मॉल का दिखाओ, बिल्डिंग खुला हुआ है, सबका हाल यही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो बिल्डिंग नहीं खुला हुआ है जिसमें अभी इजाजत है, अभी अंदर जाके देखो उसके अंदर क्या हो रहा है, अंदर जाके देखो वो, उसमें तो इजाजत है ना आपको जाने की, अभी तो खाली पड़ी हुई है, अभी आप चेक कर सकते हो उसके अंदर क्या हो रहा है। नहीं, आप क्या चाहिए? तो यहाँ पर ज्यादातर कोचिंग्स का यही हाल है, यही कहना चाहिए। सभी कोचिंग कोई भी नॉर्म फॉलो नहीं कर रही है, कोई भी कोचिंग नॉर्म फॉलो नहीं कर रही है, चाहे आप सुनिए सर, चाहे यू के प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने जो सब कुछ सर्वसहमति से सबके राय लेकर सब कुछ कर रहे थे यहाँ पे कोचिंग संस्थान, मेरा तो सीधा वो है कि मुझे लगता है यहाँ कोचिंग संस्थान की तरफ से या प्रशासन की तरफ से बंदे अलग से डाले गए इसमें। देखिए सर, मैं प्रशासन को क्रिटिसाइज करूंगा, मैम यहाँ देखिए कोचिंग तो साथ नहीं दे रही है, कोचिंग ही साथ देती तो प्रशासन की जरूरत नहीं होती। मैं प्रशासन को इसलिए क्रिटिसाइज करूंगा क्योंकि प्रशासन ने हमारा सहयोग नहीं किया, कल से इन्होंने हमें यहाँ से मार मार के भगाया है, ना हमारा इन्होंने सहयोग किया ना हमारे साथ कोऑपरेट किया। 100% व्यवस्था को नहीं कोस सकते, व्यवस्था जहाँ भी है वो तो था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, घटना कभी भी कहीं भी घट सकती है। किस तरह क्लास कर रहे थे आप लोग? क्लास हम लोग का यूपीएससी का बैच चलता है, ओरिएंटेशन चल रहा था। नहीं, हम लोग का क्लास चल रहा था, ओरिएंटेशन 12 जून को ही था, 12 जून को बैच ओरिएंटेशन था, उसके बाद रेगुलर क्लास हो रही थी, वर्ल्ड हिस्ट्री का हम लोग का क्लास था। कोचिंग सेंटर में एंट्री गेट जो है वो एक ही है जी, बिल्कुल एग्जिट और एंट्री एक ही है, एक नहीं सब कोचिंग में यही हाल है। इमरजेंसी कोई गेट, ऐसा नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर कोचिंग को हम क्रिटिसाइज नहीं करें, यहाँ हर किसी कोचिंग की यही हाल है। प्रिकॉशन है ही नहीं, 8-16 प्रिकॉशन है ही नहीं, फीस लेंगे 2-2.5 लाख, प्रिकॉशन है ही नहीं। उस हिसाब से किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, ये सब किसी ना किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे। बताइए मांग थी किस कोचिंग पास एनओसी है और एनओसी है, यहाँ बच्चे हर मिनट खतरे में जी रहे हैं, हर बच्चे 7-7 चुके एनओसी लेकर, हर बच्चा यहाँ हर मिनट में खतरे में जी रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में, आज अभी हमारे पास आंकड़े नहीं, इसलिए मैं इल्जाम नहीं लगा सकता कि मरे हैं कि नहीं मरे हैं कहाँ, क्योंकि डाटा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आने वाले समय में सुधार नहीं होता और ऐसे ही बच्चे मौन रहे तो आने वाले समय मुखर्जीनगर में बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। बिल्डिंगों की हालत देखिए, 5.6 का अगर रिक्टर स्केल का, आप यहाँ से कुछ ही दूर पे, नहीं यहाँ से कुछ ही दूर पे वर्धमान प्लाजा है, यहाँ से कुछ ही दूर पे वर्धमान प्लाजा है, पूरी मुखर्जीनगर की। एक बात मैं बताता हूँ, यहाँ क्लास चल रही है, आप सारा रिपोर्ट देखेंगे, इलीगल क्लास चल रहा है, ठीक है, सब इलीगल है। और एक फाउंडेशन में 400 बच्चे रहते हैं, ठीक है, और ये 400 की लीगल लेते हैं फाउंडेशन में एडमिशन, और एक्स्ट्रा डेमो था, ज़्यादा चलेगा। और बता रहे हैं जो डायरेक्टर है उससे बात हुई, वो बता रहे एक भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। लेकिन आप देखोगे, मेरे पास वीडियो पर ही है, हवाबाजी वाली बात नहीं होगी, गेट पे बहुत तेज आग लग रही है, ठीक है, अंदर बहुत तेज धुआं है, 2-3 खिड़की खुली हुई है, उससे सारे लड़के कूद रहे हैं, और लड़की उस रस्सी से आएगी नहीं तो वो कूद के छलांग लगा दी, उसका कमर टूट गया है, ठीक है। और 400 की फाउंडेशन में कितना बच्चा नीचे उतरा है, सोशल मीडिया पर वायरल है, वीडियो में आप देख सकते हैं कितने बच्चे नीचे उतरे हैं, गेट पे आग लगी हुई है, ठीक है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है, और लाइट कट गई, पूरा अंदर धुआं है। यहीं पे बगल में आपका कोचिंग है, वहाँ पे क्लास कर रहे थे सामने। जैसे ही आपको पता चला आप यहाँ पर आए हुए थे, तो यहाँ पर जब आए तो क्या किस तरीके से स्थिति थी, क्योंकि आने का तो कुछ लड़कों ने क्या किया, ये जो वायर है इस वायर से नीचे आ रहे थे, बाकी उस साइड से भी और इस साइड, ये जो वायर है, ये मोटा वाला जो वायर दिख रहा है, इसके सहारे नीचे आ रहे थे, इसके सहारे लड़के और लड़कियाँ भी आ रही थी इससे। हाँ, उसके बाद रस्सी भी कोई यहाँ से फेंका हुआ था, इसके बाद में उस साइड से रस्सी डाली हुई थी, उस साइड से रस्सी से डाला गया, हाँ रस्सी रस्से डाले गए थे, उसको पकड़ के भी लड़के आ रहे थे। अच्छा, बहुत बच्चे गिर भी जा रहे, बहुत लड़के गिर जा रहे थे, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मतलब हतोत्साहित हो जा रही थी, तो मतलब उस एक तो लड़की उस एसी में लग के, दोबारा उस एसी में लग के वो नीचे आके गिरी, उसके बहुत ज़्यादा सर में चोट आई थी। सर में वो बिल्डिंग है जिसके अंदर में एक ही रूम है, कोई एक ही गेट है, इसमें
में कोई भी जो है वह इमरजेंसी गेट नहीं है दोस्तों। और यही वजह है कि उन लोग जब आग लग गई थी तो उन्हें निकलने में बहुत समय लग गया था, नीचे में धुआं धुआं, नीचे से लेकर के ऊपर तक धुआं धुआं हो गया हुआ था। यही वजह है कि गेट से भी नहीं, एक तो सिंगल गेट था, वह गेट उस गेट में इतना धुआं था और आग था जिस वजह से वह बच्चे लोग वहाँ से नहीं निकल पा रहे थे। उसके बाद जो है वह कांच का शीश, ये जो आप खिड़की देख रहे हैं छोटे छोटे खिड़की है, उस खिड़की के कांच को तोड़ करके फिर वहाँ पर रस्सी नीचे से कोई डाला हुआ था, उसके बाद रस्सी के सहारे लोग नीचे आए, बहुत सारे बच्चे जो है ऊपर से नीचे गिर जा रहे थे और फिर इंजरी हो गए उन्हें। बहुत देर के बाद बताया जा रहा है जैसा कि यहाँ का प्रत्यक्षदर्शी बच्चे लोग हैं, क्लास ये सारे आप जानते हैं कि मुखर्जी नगर में ये कोचिंग का हब है, यहाँ सारे बच्चे स्टूडेंट लोग हैं। स्टूडेंट का कहना है कि वो लोग जब यहाँ पर आए हुए थे ना, देख रहे थे कि बहुत देर के बाद प्रशासन आई थी और यहाँ के बच्चे स्टूडेंट जो है वही उन्हें हेल्प पहुँचा रहे थे, जिसके बाद जो बहुत देर के बाद जब पुलिस प्रशासन आई, एम्बुलेंस आया, उसके बाद फिर उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन एक ख़ास बात ये बताई जा रही है बच्चों के द्वारा कि जो जिस कमरे में ये घटना घटी है वो कमरे को लॉक किया गया है और उसे दिखाया नहीं जा रहा है। यही वजह है कि उनके जो साथी है, उनके अभिभावक है, वो सभी परेशान नज़र आ रहे हैं।